नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने ही चैनल क्षेत्रीय विवेक पर। तो आज हम आपको ले चलते हैं हरिद्वार की गंगा आरती पर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने यार परिवार और रिश्तेदारों को बीच भी साझा कीजिए, ताकि वे लोग भी इस वीडियो का आनंद ले पाए। और आप लोगों से एक आग्रह है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो हर की पौड़ी वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसे भी पूरा देख ले, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पार जगह का कमी हो रहा है। एक पुल है सीढ़ियों के द्वारा, हम उस पार जाएंगे और उस पार से आपको डायरेक्ट जीरो से आपको वाकुफ कराएंगे ग्राउंड से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुल से नदी के जो दोनों किनारे भक्तजन पूरा भर चुके हैं, जगह वहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इस पार आए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, जमे रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और मज़ा लीजिए। अभी समय हो रहा है 5:55 और समय हो चुका है सांध्य आरती का, जो गंगा आरती का समय लगभग 6 या 6:30 बजे शुरू होने वाला है। तो हमने लाइव शुरू कर दिया है, आप देखिए लाइव प्रोसेस में पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
तो गंगा आरती का समय समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं। अभी समय हो रहा है कितना, 6:55 हो रहा है, 7 बजने जा रहा है। आरती ख़त्म हो चुका है। देखिए माहौल बहुत बढ़िया रहा, शानदार। कुछ आरती कैप्चर कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ लाइव कर पाए, कुछ कैमरा में कैद है। और अंधेरे में अपने आप को कितना कैप्चर कर पा रहा हूँ पता नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कैमरा के सामने रिवील करते हैं। देखिए आगे की तरफ बैग है एक अपना, और कुछ इस तरह का रहा आज का सफर। आज का गंगा आरती कैसा रहा, आप दो शब्द में थोड़ा बयां करें जी। बहुत अच्छा लगा, शानदार, बढ़िया। पहला एक्सपीरियंस है, बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस है, पहली है। अच्छा, बढ़िया लगा। और हमने स्टार्टिंग से लेकर पूरा एकदम फुल कवर अप कर लिया है, और कुछ हद तक लाइव कैद कर लिया है, कुछ अपना मतलब कैमरा में कैद कर लिया है। तो आप लोगों में से जितने भी अगर नहीं आए तो गंगा आरती के लिए एक बार आइए, हरिद्वार आइए, हर की पौड़ी, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के एक साथ दर्शन कीजिए। और अपने समस्त ऐसा मान्यता है, आप भगवान नहा के जाते हैं तो आपका जो पाप किया है वो उससे आपको पुण्य मिल जाएगा, है ना। अच्छा, जो भी हो आपको दिल को शांत मिलेगा, तसल्ली मिलेगा, वो तो अलग बात है। और माइंड रिफ्रेश, दिमाग सब रिफ्रेश हो जाता है, ऐसा ठंड पानी है ना, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो अभी जा रहे हैं प्रेम नगर के आश्रम की ओर। और मेन रोड कितना दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से ऑटो लेंगे या रिक्शा लेंगे, इसके बाद जाएंगे प्रेम नगर आश्रम। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।